हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर रेलवे की पटरियों पर क्यों आग लगा दिया जाता है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे रेलवे के लाइनों में यानी रेलवे के पटरियों पर आग लगा दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों रेलवे की पटरियों पर आग लगा दिया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए। आपको ये चीज समझने से पहले हमें मेटल की प्रॉपर्टीज जाननी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आखिर जो लोहा होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम लोहे को ज्यादा गर्म करेंगे तो वो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमारी जो लोहा होगा, हमारा जो मेटल होगा, वो फैलने लगेगा। जितना गर्म करेंगे उस हिसाब से वो फैलने लगता है। और क्या होता है, अगर हमारी मेटल को मैं फ्रिज में रख दूं या उसको ठंडा कर दूं तो वो सिकुड़ने लगता है। तो इसी तनाव और सिकुड़न की वजह से हमारी रेलवे के पटरियों में कुछ इस तरह से गैप दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि जब क्या होता है, हमारी रेलवे की पटरियां ज्यादा गर्म हो जाती है तो ये अपने में आकर कुछ इस तरह से चिपक जाता है, और जब ठंडी होती है तो थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेता है। अगर हम इस गैप को ना दे तो ज्यादा तनाव की वजह से और ज्यादा सिकुड़न की वजह से हमारे रेलवे पटरियों में कुछ इस तरह से क्रैक आ जाता है। तो अब हम क्या है, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसको बताने का रीजन ये था कि क्या होता है, ज्यादा सर्दी वाले इलाकों में या ज्यादा सर्दी वाले राज्यों में, ज्यादा सर्दी वाले देशों में जो हमारी रेल की पटरियां होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। वो ज्यादातर सिकुड़ जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है, बहुत दिनों तक धूप नहीं होता है तो हमारी रेलवे की पटरियां क्या होती है, सिकुड़ने की वजह से इस तरह से क्रैक आ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए ज्यादा ठंडी वाले इलाकों में हमारी रेल के पटरियों में आग लगा दिया जाता है, और इसको रात में ज्यादातर आग लगाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रात में जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो और ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे ज्यादा चांस रहते हैं हमारे रेल पटरियों को क्रैक आने से। तो इसी प्रक्रिया की वजह से हमारे रेल पटरियों में रात में आग लगा दिया जाता है, ताकि उसका तनाव और सिकुड़न दोनों मेंटेन हो सके, ताकि रेलवे को दुर्घटना से बचाया जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा लाइक करिएगा। धन्यवाद।